अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी। ये है अफ़गानी दम पुलाव। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त लिया है, ये देखिए, और 1 टीस्पून जितना नमक, 6-7 हमने लहसुन के जवे लिए हैं, उसे छील लिया था। यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है और सारा गोश्त हम उसमें डाल देंगे। और उसे डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, ये नमक डाल देंगे और पानी डाल देंगे। आप पानी ज़्यादा डाल दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बाद में यखनी जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे, दम में लगाएंगे, तो आप पानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 सीटी आने तक हम गोश्त को गला लेंगे। यहाँ पर हमने एक भगोना लिया है, उसमें ऑयल गरम कर लिया और यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के गाजर को जूलियंस की तरह कट कर लिया है, ये देखिए। इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी किशमिश, ये देखिए। आधा कटोरी हमने किशमिश लिया है। आप इसमें किशमिश ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अफ़गानी लोग किशमिश और गाजर को बहुत ज़्यादा मिकदार में डालते हैं, क्योंकि वो लोग मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो खाना होता है मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किशमिश में से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने कम यूज़ किया है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पसंद नहीं है कि बिरयानी में किसी चीज़ में मीठे का टेस्ट आए। ये देखिए, अच्छी तरीके से गाजर और किशमिश जब फ्राई हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे, सारे गाजर और किशमिश को। और उसी ऑयल में हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया था और प्याज को पिंक होने तक हम भून लेंगे। ब्राउन नहीं करना प्याज को, पिंक कर लेना है। ये देखिए, प्याज पिंक होने लगी है। तो अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप अदरक लहसुन के पेस्ट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अफ़गानी लोग जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते हैं। ये मैं अपनी रेसिपी में ऐड कर रही हूँ, तो अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। अच्छी तरह से अदरक लहसुन भूनने के बाद यहाँ पर हमने लिया 250 ग्राम काबुली चना। इसको हमने ओवरनाइट भिगा दिया था, उसके बाद हमने इसको प्रेशर कुकर में ही सीटी लगा के गला दिया, ये देखिए। थोड़ा सा हमने इसको कड़ा रहने दिया, क्योंकि ये पकने के बाद और चावल में ही पकने के बाद ये पक जाएगा, तो थोड़ा सा कड़ा रहने देना है और काबुली चना भी इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून जितना नमक डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से आप अपने नमक डालिए। और 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 छोटी कटोरी दही, उसको डालने के बाद भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले को। ये देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, मसाला लगे नहीं। अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे, 10 हरी मिर्चें हैं बीच में से कटी हुई, ये देखिए। अच्छी तरीके से मसाला भून लेने के बाद अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। 2 सीटी लगा ली थी हमने गोश्त की और अच्छी तरीके से गल चुका है, ये देखिए। और यखनी को बिल्कुल नहीं फेंकना है। मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट इसको गोश्त को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से गोश्त भी भून चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये 1.5 किलो हमने बासमती चावल लिया था, 2 घंटे के लिए इसे पानी में सोख कर लिया था। आप इसकी जगह सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप लोग प्रेफर करें खाना।
और जो यखनी का पानी था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि चावल को हम यखनी के पानी में बनाएंगे। और अगर आपका यखनी कम हो, जैसे मेरा कम हो गया है, तो हम इसके अंदर सादा पानी भी ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 इंच ऊंचा पानी होना चाहिए चावल के, बिल्कुल बराबर बैठता है, तो आप 1 इंच ऊंचा पानी रखिए और इसको 15 मिनट ढक के पका लीजिए। ये देखिए 15 मिनट हो चुका है और चावल बहुत अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अभी हमने इसको दम पे नहीं दिया है, तो हल्का सा हम इसको चला लेंगे कि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और चावल को हमेशा साइड से चलाना चाहिए, बीच में से अगर आप चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। अब ये देखिए हम इसके ऊपर गाजर और किशमिश फ्राई की हुई ऊपर से डाल देंगे। देखिए किशमिश और गाजर हमने ऊपर से डाल दिया है और जितना ऑयल भी था वो भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे। उसके बाद हम इसको ढक के पका लेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, हमने इसको दम पे रख दिया था मीडियम आंच पे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत लाजवाब रेसिपी है। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कितनी डिलीशियस रेसिपी है ये। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल चावल के भी लंबे लंबे दाने हैं और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। अब मैं इसे कर लेती हूँ डिश आउट। ये देखिए मैंने बिरयानी को डिश आउट कर लिया है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनी है, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप ट्राई करने के बाद कमेंट करेंगे तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगली रेसिपी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।